हेलो दोस्तों, रोड टू लद्दाख के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम किस तरह से पांग से निकल के मोरे प्लेन्स होते हुए पहुंच गए थे तांगलांगला, जो कि इस रूट का हमारा सबसे ऊंचाई पर स्थित पास है। और रात होते होते हम पहुंच गए थे लेह सिटी और वहां पर हमने हमारा रूम भी ले लिया था। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे रोड टू लद्दाख का डे 6 का सफ़र शुरू करते हैं, और जिसमें हम आपको घुमाएंगे आज लेह सिटी और साथ ही साथ यहाँ का जो लेह पैलेस है उसकी भी हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना होटल दिखा दूँ दोस्तों, जहाँ पर हम कल रुके थे। तो ये जो आप एप्पल ट्री देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे होटल के ही कोर्टयार्ड में बना हुआ है और ये हमारा होटल है। और अभी सुबह के 7:10 हुए हैं और इतना खूबसूरत जगह है दोस्तों ये, कि सुबह अपने आप ही नींद उड़ जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो सामने घर है ये इसी प्रॉपर्टी ओनर का घर है और बगल में इन्होंने इस तरह से ये होटल बनाया हुआ है। और वाकई में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी। पहली बार हम लोग इस तरह से एप्पल के पेड़ दिख रहे थे और वहाँ से एप्पल तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग था दोस्तों। और यहाँ पर साथ ही साथ इन्होंने कुछ सब्जियाँ भी उगाई हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलीफ्लावर्स भी उगे हुए हैं। और फूल का तो दोस्तों कोई जवाब ही नहीं था, मतलब इतनी वैरायटी के फ्लावर्स थे। और ये जो सामने आप देख रहे हो दोस्तों, ये यहाँ पे इतना सा ये पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी सेफ है। तो ये जो होटल है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो इसका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसका मैप लोकेशन और फ़ोन नंबर देख सकते हो। और जैसे कि प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी कल बता ही दिया था कि हमने 600 रुपीज़ पे किया था, हालाँकि ऑफ सीज़न था, तो आप सीज़न का जो प्राइस है आप कन्फर्म कर सकते हो। और अभी 11:50 हुए थे, तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं दोस्तों ले मार्केट। वहाँ से हम पहले अपना सिम कार्ड खरीदेंगे, क्योंकि कल रात को जब गए थे तो मार्केट बंद हो चुका था। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ का जो मेन टुचका रोड है, मतलब इसे अपर टुचका रोड भी कहा जाता है, तो वहीं से होते हुए अभी हम ले मार्केट जाएँगे। और हमारे साथ में हमारे जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर है यासिर भाई, वो भी हमारे साथ में आ रहे ताकि वो हमें गाइड कर सके। और यहाँ पे इस टुचका रोड पे आपको कई सारी शॉप्स भी मिल जाएगी, तो यदि आपको आगे के सफ़र के लिए कुछ भी ज़रूरी सामान लेना है तो आप यहीं से ले सकते हो। यहाँ पे ऐसी कई सारी होलसेल और रिटेल की शॉप्स है, तो यहाँ पर से जो सामान है आपको ये काफ़ी किफ़ायती दरों में मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अभी सामने आप जो देख रहे हो वहीं से अपना ले मार्केट शुरू होता है, और रास्ते में इस तरह से कई सारी हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स भी है, तो यहाँ से आप तिब्बतीयन कुछ अगर आइटम्स खरीदने, हैंडीक्राफ्ट खरीदने, गिफ्ट आर्टिकल्स, वो भी आप खरीद सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई सारे गारमेंट्स की भी शॉप है। और अभी ये यहाँ का मेन चौराहा आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हो बोर्ड पे मार्केट का रास्ता जो है वो सीधा आगे की तरफ दिखा रहा है। यहाँ से आप लेफ्ट होकर भी मार्केट रोड जा सकते हो, और अगर स्ट्रेट जाओगे तो भी मार्केट आ जाएगा। और वहीं से दोस्तों आगे बढ़ने पर सामने आ गया था टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, यानी कि TIC ऑफिस। तो टूरिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएंगे। लेकिन और एक ऐप के बारे में, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो जुले टूरिस्ट ऐप है जो कि लद्दाख पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उस ऐप को आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस ऐप से आपको कई सारे फ़ायदे हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन परमिट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि हमारी जो परमिट्स थी वो हमने यासिर भाई को ही दे दी थी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अराइवल के डेट के बाद में आपको 2 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, तो हमारे पास तो 2 दिन यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं था। और वहीं पे अभी हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ के लेह मार्केट में, और यहाँ पर आते ही आपको इस तरह से ये तिब्बतीयन रेफ्यूजी स्टोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको तिब्बतीयन हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स भी देखने मिल जाती है। हालाँकि कुछ आइटम्स जो थी वो काफ़ी महंगी थी। और दोस्तों वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर आपको सामने की तरफ लेह का पोस्ट ऑफिस भी देखने मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल इस मार्केट के अंदर ही स्थित है। और साथ ही साथ यहां पर आई लव लद्दाख का एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये दोस्तों आ गया यहां का अभी ये मेन मार्केट एरिया, यहाँ पर कई सारी पुरानी शॉप्स बनी हुई है। हालांकि ये जो पूरा मार्केट है ये यहाँ का सबसे हैपनिंग प्लेस है, रात को यहाँ पर आपको काफ़ी चहल पहल देखने मिल जाती है। और ये यहाँ पर इस तरह से एक मस्जिद भी बनी हुई है। लद्दाख में आपको बुद्धिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के मिक्स लोग देखने मिल जाएंगे,
और यहाँ पर ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के आपको कई सारे स्टॉल्स भी इस तरह रास्ते पर देखने मिल जाएंगे, जो यहाँ पे आपको इनके लोकल जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर बेचती है। तो यहाँ पे ये ड्राइड एप्पल की चिप्स भी मिलती है और साथ ही साथ एप्रिकॉट्स भी है। और उसके अलावा यहाँ पर कई सारे शॉप्स है, मोस्ट ऑफ द शॉप्स में आइटम्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यदि आपको अगर कुछ भी ख़रीदना हो तो आने के समय जो मैंने आपको टुचका रोड पे जो मार्केट दिखाया था आप वहाँ से ले सकते हो। और ये जो रोड है दोस्तों, ये पूरा नो व्हीकल जोन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो ये मेन रोड से अंदर की तरफ इस तरह से ये पूरा मार्केट है। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों सामने की तरफ, यहाँ पर आपको मैं जो मार्क करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, यही यहाँ की शॉप है जहाँ पर अभी हमें जाना है अपना सिम कार्ड लेने के लिए। और यहाँ पर जो सिम कार्ड है दोस्तों, ये टूरिस्ट के लिए एक अलग सिम कार्ड आता है जो पोस्टपेड कैटेगरी का होता है, और इसका आपको 500 रुपीज़ पे करना होता है। और इसमें आपको 250 का रिचार्ज मिलता है, जिसमें आपको डेली 1.5 GB डेटा मिलता है। तो हमने भी यहाँ से अपना सिम कार्ड ले लिया था। और अभी ये जो मार्केट है दोस्तों, ये हमें यहाँ के पुराने समय की भी याद दिलाता है, क्योंकि एक समय में ये जो मार्केट था यहाँ पे, ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई देता था जैसे अभी आप देख सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी लेके जाने की। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मतलब बिल्कुल कच्ची सड़क और कच्चे मकान हुआ करते थे। और यहाँ पर साथ ही साथ दोस्तों सामने की तरफ एक जामा मस्जिद भी है, जहाँ से गली जाती है पीछे की तरफ, और वो आपको लेकर जाती है यहाँ के ओल्ड लेह टाउन में। और दोस्तों अभी 12:20 हुए हैं और हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे ओल्ड लेह टाउन में। और इसे ओल्ड टाउन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत के समय में सिर्फ यहीं पर लोग रहा करते थे। और वहीं से दोस्तों एक गली सामने की तरफ जाती है और दूसरी गली जो है ये इस तरफ जाती है। तो चलिए दोनों गलियों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं यहाँ पर ये स्तूपा बने हुए है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये ओल्ड लेह टाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी हुई है। और वहीं दोस्तों अभी हम गली की तरफ जा ही रहे थे कि वहाँ पर हमारी नज़र पड़ी इस कुत्ते पर। हालांकि ये तो काफ़ी अच्छी ब्रीड का कुत्ता लग रहा था, लेकिन इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। तो वहाँ पर जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ये प्रेयर व्हील्स को भी घुमा लिया जाए, ताकि अच्छी एनर्जी और वाइब्रेशंस हमारे साथ में रहे। तो ये स्तूपा के नीचे इस तरह से प्रेयर व्हील्स बने हुए हैं। और वहीं हम अभी आगे जा रहे हैं यहाँ की इस गलियों में। और जैसे हम इस गलियों में आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं हमारी नज़र पड़ी दोस्तों यहाँ पर एक बेकरी पर। तो जब आगे जाके देखा तो पता चला कि यहाँ पर यहाँ की पुरानी जो ब्रेड है वो बनाई जाती है, जिसे नान वाई कहा जाता है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे तो देखा तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है ये सब नए बन चुके थे, इतने पुराने बिल्डिंग नहीं थे। तो हम वापस आ गए थे वहाँ से उसी स्तूपा के पास, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर सामने वाली गली में, जो कि इस ले पैलेस के बिल्कुल नीचे की तरफ बनी हुई है। और मोस्टली जो ये ओल्ड टाउन है ये यहीं से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कई सारी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये मंडला की भी शॉप है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर और कई सारे तिब्बतीयन आर्टिफैक्ट्स देखने मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे हम तिब्बत में ही आ गए हो। और साथ ही साथ अभी हम एंटर करने वाले दोस्तों ओल्ड लेह टाउन में, और ये एक बिल्कुल टाइम ट्रैवल जैसा अनुभव रहने वाला है हमारे लिए। तो ये सारा अनुभव हम आपके साथ में भी शेयर करेंगे कि किस तरह से ये जो पुरानी गलियां है ये आपको एक बीते समय की याद दिलाती है। अभी भी यहाँ पर आपको कई सारे घर ऐसे ही नज़र आएंगे जो पत्थर और मिट्टी से बने हुए हैं, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर मड़ का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आप इस दीवार को देख सकते हो, ये अभी भी पुरानी दीवार है जो अभी भी साबुत है। और कुछ घर ऐसे भी है जो अभी रिनोवेट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इस तरह से सकरी गलियां है, और यहीं से होते हुए आपको जाना होता है। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे हम वापस से उस समय में आ गए जब यहाँ पर राजा महाराजा राज किया करते थे। ऐसे लग रहा था जैसे समय मानो थम सा गया हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों अभी ये जो रास्ता है ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में जो गटर की लाइन है उसको फॉलो करते हुए आपको ऊपर तक जाना है, तो पहुंच जाओगे आप ले पैलेस। हमने नीचे एक शॉपकीपर से बात की थी, तो उन्होंने हमें यही कहा कि आप बस इन जो बीच में जो पानी की लाइन है उनको फॉलो करते रहिए।
और वहीं पे अभी हम आ गए दोस्तों बिल्कुल ऊपर की तरफ, और आपको जो सामने नज़ारा दिख रहा है वो है लेह पैलेस का नज़ारा। तो अभी दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं हमारे लेह पैलेस का, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसका पूरा इतिहास भी बताने की कोशिश करूँगा, जो शायद ही आपको और किसी वीडियो में देखने मिलेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप हमें अपने अभिप्राय भी बताइए कमेंट करके, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। लेह पैलेस को लाचेन पालकर भी कहा जाता है, और ये जिस हिल पर बना है उसका नाम नामग्याल हिल है दोस्तों। और ये जो पैलेस है दोस्तों ये करीबन 450 साल पुराना है, और इसका जो निर्माण है ये 15वीं से 17वीं सदी के बीच में यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम सिंगे नामग्याल था उन्होंने करवाया था। और ये दोस्तों यहाँ का मेन एंट्री गेट है जहाँ से होते हुए आपको अंदर प्रवेश करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर प्रवेश करने के लिए भारतीयों एवं सार्क नेशन वालों से 25 रुपया और दूसरे फॉरेन नेशनल वालों से 200 रुपया प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है। और ये जो पैलेस है दोस्तों ये टोटल 9 मंजिला पैलेस है, और उसमें से अभी हम जो है ये इसका सेकेंड लेवल यानी कि दूसरा माला है, फर्स्ट फ्लोर से अभी हम चल के ऊपर की तरफ आए हैं। और यहाँ पर ASI के द्वारा इस तरह से ये साइन बोर्ड्स लगाए गए जिसमें इस पैलेस की पूरी जानकारी दी गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। और आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर एक गैलरी देखने मिल जाएगी जिसका नाम है लेह पैलेस गैलरी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इस पैलेस के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। आपको यहाँ पर इसके पुराने फोटोग्राफ्स भी देखने मिल जाएंगे, और साथ ही साथ किस तरह से इस पैलेस का रिनोवेशन किया गया, इसके कितने लेवल्स थे, यहाँ पे कौन रहा करता था, वो सारी चीज़ें आपको इस गैलरी में देखने मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर इस पैलेस की बाहरी संरचना की बात की जाए तो ये तिब्बत के ल्हासा शहर में स्थित जो रॉयल पैलेस है पटोला पैलेस उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। गैलरी से बाहर आते ही आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, और उसके बाद आप पहुँच जाते हो दोस्तों इस पैलेस के लेवल 3 यानी कि तीसरे मंजिल पर। और यहाँ पर आपको इस तरह से एक बड़ा सा गैलरी देखने मिल जाएगा, और यहाँ से आपको लेह सिटी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से आपको सामने की तरफ पूरा लेह सिटी दिखाई देगा, और साथ ही साथ वो मेन मार्केट भी है जहाँ से अभी होके हम आए हैं। तो ये एक फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ से आप काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। और वहाँ से आगे बढ़ने पर दोस्तों आ जाता है यहाँ का लेवल 4 जहाँ पर एक मॉनेस्ट्री है, और साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है, और यहाँ पर पुराने समय के जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो भी रखे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमरा है इस पूरे पैलेस का, और ये जो बुद्धा है इन्हें मैत्रेय बुद्धा भी कहा जाता है यानी अपकमिंग बुद्धा। और मॉनेस्ट्री से बाहर आते ही आप और थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो आप आ जाते हो 5th लेवल पे, और यहाँ पर अभी कई सारे कमरे बंद है, रिस्टोरेशन का काम अभी तक चालू है यहाँ पर। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक फ़ोटो गैलरी बनाई गई है, तो चलिए दोस्तों चल के देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें देखने मिलेगी। वैसे ये जो पैलेस है दोस्तों ये जब भी मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जो नामग्याल डायनेस्टी थी उनका ये रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था, ऊपर की मंजिलों पर उनका परिवार रहता था, और जो नीचे की जो मंजिलें थी वो स्टेबल और स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल की जाती थी, और यहाँ पर उन कुछ पुरानी यादों को संजो के रखा गया है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी इस तस्वीर में इस मॉनेस्ट्री के कुछ शॉट दिखाए जो ड्रोन से लिए गए हैं। और जैसे ही आप इस गैलरी में प्रवेश करते हो आपको इस लेह लद्दाख रीजन के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देखने मिल जाती है, जिसमें आपको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की आबोहवा, और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास में जो भी देखने लायक जगह है उनकी भी जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। और उसी के साथ दोस्तों ASI ने यहाँ पर भारत में जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी भी जानकारी दी है, तो आप उन्हें भी यहाँ पर देख सकते हो। और दीवारों पर आपको जो पेंटिंग्स दिख रही है दोस्तों ये करीबन 450 साल पुरानी पेंटिंग है, और इन पेंटिंग्स को भी ASI वालों ने फिर से रिस्टोर किया हुआ है। गैलरी से बाहर आते ही कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है जो आपको लेकर जाती है ऑडियो विजुअल हॉल में, और यहाँ पर आपको इस लेह पैलेस से संबंधित एक 12 मिनट की ऑडियो विजुअल फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इस पूरे पैलेस का इतिहास क्या है और इसे किस तरह से पुनर्निर्मित किया गया।
और वहीं दोस्तों अभी हम आ गए थे इस पैलेस के 6th लेवल पर, यानी कि 6वीं मंजिल पर। और यहाँ पर आगे बढ़ने पर भी आपको एक छोटी सी ऐसे विंडो दिखाई देती है जहाँ से आपको इस लेह सिटी का खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। और वहीं पे दोस्तों आ गया था यहाँ पर ये बड़ा सा ओपन टेरेस। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पैलेस था ये यहाँ की राजकीय परिवार का निवास स्थान था, और करीबन 19वीं सदी में यहाँ पर डोगरा शासन के सैन्य ने यहाँ पर आक्रमण करके इस पूरे पैलेस को कैप्चर कर लिया था। और तभी जो यहाँ का राज परिवार है उन्हें इसे छोड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो स्टॉक पैलेस है वहाँ पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और वैसे तो आप चाहो तो यहाँ पर बाय रोड भी आ सकते हो, जो सामने से आपको रास्ता दिखाई दे रहा है उससे आप रोड से भी आ सकते हो। हालांकि हम लोग तो ये नीचे वाले रास्ते से होकर ऊपर आए थे जो कि ओल्ड टाउन से होके आता है। और आप सामने जो हिल पर एक बिल्डिंग देख रहे हो ये यहाँ की ले मॉनेस्ट्री है। और साथ ही साथ दोस्तों आज का आसमान भी बहुत ही खूबसूरत था, क्लाउड्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे और यहाँ से ले सिटी का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और वहाँ से ये लहराते हुए फ्लैग इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी और ऊपर की तरफ। जी दोस्तों यहाँ पे चढ़ना बहुत है तो थोड़ा थक जाते हैं। और अभी हम आ गए दोस्तों यहाँ के 7th लेवल पर, और यहाँ पर भी वैसे ही एक टेरेस बना हुआ है। और वहाँ से जैसे आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे तो आप पहुँच जाओगे इसकी 8वीं मंजिल यानी कि 8th लेवल पर। और जो सामने दिख रहा है वो उसका 9th लेवल है। तो मेन सबसे बड़ा ये 8वां लेवल ही है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो क्योंकि 9th लेवल पे जाने के लिए रास्ता बंद था। तो यहाँ पर नीचे इस तरह से इन्होंने रेत डाली हुई है। और सही मायने में देखा जाए तो आपको यहाँ से ले सिटी का पूरा 360 डिग्री व्यू देखने मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों यहाँ पे से। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो वो शांति स्तूपा है, आपको छोटा सा दिखाई देगा जहाँ पर अभी हम शाम को जाने वाले हैं। और वैसे तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, सीज़न ही नहीं था, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट थे वो दरअसल मैराथन की वजह से थे, क्योंकि अभी यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया गया था तो उस वजह से कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे। और अल्पेश भाई कैसे लग रहा है तीसरी बार लद्दाख आके? लूज हो गए हूँ अभी, धूप तेज़ है। हाँ, ठंड थोड़ी कम है। एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हाई है। हाँ, एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी मिलेगी, लेकिन जैसे आप देख सकते हो जैकेट निकल गए। खरदुंगला जाने का रास्ता है वहाँ से। हाँ, वो जो रास्ता आप देख रहे हैं से ऊपर खरदुंगला टॉप है इसके पीछे। ओके, और वो शांति स्तूपा और ये ले मॉनेस्ट्री। तो कोशिश करेंगे दोस्तों आपको हर जगह दिखाने की। और अभी समय हो चुका था दोस्तों यहाँ से अभी नीचे उतरने का। तो नीचे उतर के दोस्तों हम मेन मार्केट आ गए थे, और यहाँ पर ये और एक मॉनेस्ट्री है जिसे गोम्पा सोमा कहा जाता है। और ये यहाँ की लद्दाख की मॉनेस्ट्री है जो बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच स्थित है। और अभी वैसे दोपहर के 2:20 हो चुके थे दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हो एक प्रेयर व्हील है और सामने की तरफ और एक प्रेयर व्हील है। लेकिन मॉनेस्ट्री दोस्तों अभी बंद लग रही है तो आपको मॉनेस्ट्री हम अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। और दोस्तों दोपहर हो जाने की वजह से अभी धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही थी, तो अभी कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी चलते हैं दोस्तों वापस होटल पे। और मुझे यकीन है दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, और यदि नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे शांति स्तूपा। तो बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।